हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हम भौतिक राशियाँ, उनका वर्गीकरण, उनके प्रकार, मात्रक, मात्रकों के प्रकार और मात्रकों की अलग अलग पद्धतियाँ पढ़ चुके हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भौतिक राशियों की विमा और विमीय सूत्र। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशि की विमा क्या होती है। तो किसी भी भौतिक राशि को, चाहे वो मूल भौतिक राशि हो या व्युत्पन्न भौतिक राशि हो, किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई, समय या अन्य जो मूल भौतिक राशियां थी उनके रूप में व्यक्त करने के लिए इन पर जो घात लगाई जाती है उसे भौतिक राशि की विमा कहते हैं। डेफिनेशन को ज्यादा अच्छे से हम आगे समझ पाएंगे, लेकिन मोटी मोटी सी बात क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को जो दूसरी मूल भौतिक राशियां हैं उनके रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर जो घात लगाई जाती है उसे भौतिक राशि की विमा कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम मूल भौतिक राशियां पढ़ चुके थे। एसआई सिस्टम ने हमने देखा था कि सात जो राशियां हैं उन्हें मूल भौतिक राशियां माना गया है। कौन कौन सी थी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए, मूल भौतिक राशियां जो थी वो हमने बोली थी कि ये राशियां इंडिपेंडेंट होती हैं और किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। तो इसका मतलब जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं भी इंडिपेंडेंट होंगी और दूसरी भौतिक राशियों के विमाओं पर डिपेंड नहीं करेंगी। विमा निकालने के लिए या विमा लिखने के लिए सबसे पहले दो चीजें याद रखनी है। विमा हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है और जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखी जाती है, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखनी है और कैपिटल लेटर्स में लिखनी होती है। अब जो मूल भौतिक राशियां थी उसमें से सबसे पहले लिखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, एम से स्टार्ट होता है। अब द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, इसका मतलब किसी और राशि पर निर्भर नहीं करेगी, इसकी विमा भी किसी और राशि पर निर्भर नहीं करेगी। तो द्रव्यमान की विमा हमें क्या मिल जाएगी? मास एम से स्टार्ट होता है इसलिए इसे हम कैपिटल एम लिख देते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमें लंबाई देखनी हो तो उसे लंबाई को लेंथ कहते हैं, यानी कि कैपिटल एल से लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, टी से स्टार्ट होता है, यानी कि बड़े ब्रैकेट में कैपिटल टी लिख दिया जाता है। इसी तरीके से जो चार और मूल भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। ये केस था जब आपकी भौतिक राशियां हैं वो मूल भौतिक राशियां हैं। इन मूल भौतिक राशियों की विमाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि मूल भौतिक राशियां एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं, इसलिए हर मूल भौतिक राशि की विमा केवल स्वयं उस राशि पर निर्भर करती है, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती। जैसे द्रव्यमान की विमा हमेशा कैपिटल एम रहेगी, उसमें एल, टी या के, ए, सी डी, मोल ये कहीं भी नहीं आएंगे, द्रव्यमान की विमा सिर्फ एम रहेगी। इसी तरीके से लंबाई की विमा हमेशा एल रहेगी, समय की विमा हमेशा टी रहेगी। इसी टाइप से और जो चार बच जाती हैं उनकी विमा भी इंडिपेंडेंट रहती है। मूल भौतिक राशियों की विमा हम देख चुके हैं कि कैसे निकालनी है। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि अगर हमें व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि हमेशा मूल भौतिक राशि पर डिपेंड करेगी, तो किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि में जो जो मूल भौतिक राशियां आ रही हैं उन उनकी विमा हम यूज करेंगे और जितनी बार वो भौतिक राशि आती है उतनी उसकी पावर लगा देंगे। कैसे? व्युत्पन्न भौतिक राशियों के पिछले लेक्चर में मैंने आपको तीन चार एग्जाम्पल दिए थे, उनमें से एक एग्जाम्पल था वेग। उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, वेग के मात्रक में क्या चीज आ रही है? मीटर प्रति सेकंड। यानी कि कौन कौन सी मूल राशियां आ रही हैं? एक तो
लंबाई और दूसरा समय। मीटर है वो लंबाई का मात्रक है, इसलिए इसकी विमा कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल। कितनी बार आ रहा है, एक बार, यानी कि एल की पावर एक। दूसरी मूल राशि कौन सी आ रही है, सेकंड, यानी कि समय। समय की विमा कैपिटल टी। कितनी बार आ रहा है, एक बार, इसलिए वेग की विमा आपको क्या मिलेगी, फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड। यानी कि विमा में क्या आ गया आपका, ऊपर मीटर है यानी कि ऊपर एल आ गया, अपॉन सेकंड है यानी नीचे टी आ गया, या इसे कहा जाए एल एल वन और टी की पावर -1। द्रव्यमान कितनी बार है, 0 बार, इसलिए इसे दूसरे रूप में लिखा जा सकता है m0 l1 t-1, और बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। या अगर आप इसे लिखते हैं l1 t-1 तो भी आपका आंसर सही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बल है, बल का व्युत्पन्न मात्रक आपको मिला था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां या मूल मात्रक कौन कौन से हैं। किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो उसकी विमा आ जाएगी आपकी कैपिटल एम। कितनी बार आ रहा है किलोग्राम, एक बार, इसलिए पावर एक। उसके बाद गुणा में आ रहा है मीटर यानी कि लंबाई, विमा आ गई एल की पावर एक, अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेकंड यानी कि समय का मात्रक है, विमा हो जाएगी कैपिटल टी। सेकंड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए पावर आ जाती है -2। तो बल की विमा आपको मिली m1 l1 t-2। -2 क्यों आई, क्योंकि किलोग्राम और मीटर तो ऊपर है और सेकंड जो है वो अपॉन में है, मीटर के बट्टे में आ रहा है सेकंड, इसलिए पावर आ जाएगी माइनस में। अब हमने मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमा तो देख ली, कुछ की याद करनी है और कुछ की हम निकाल सकते हैं उसका मात्रक याद हो तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की विमा है उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती। क्या कहता है, मात्रकों की पद्धति आपने पिछले लेक्चर में 4 पद्धति देखी थी, CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम। पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी भौतिक राशि की आप विमा निकालते हैं तो आप उसे मात्रकों के किसी भी सिस्टम में यूज कीजिए, यानी कि CGS में लिखिए, MKS में लिखिए, FPS में लिखिए या SI सिस्टम में लिखिए, किसी भी सिस्टम में आप उसे लिख सकते हैं। एक भौतिक राशि की विमा हर सिस्टम में समान होगी। जैसे आपको वेग की विमा L1 t-1 मिली थी, तो आप कोई सी भी पद्धति यूज कीजिए मात्रकों की, सब में वेग की विमा L1 t-1 ही रहती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात है उसकी कोई विमा नहीं होती। शुद्ध संख्या यानी जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3, या कोई भी अनुपात है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा पाई, इनकी कोई विमा नहीं होती, ये डायमेंशनलेस होते हैं या विमाहीन होते हैं। तो कहीं भी कोई संख्या लिखी हुई आ गई या साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ आ गया, उस स्टेप में उन चीजों की कोई विमा नहीं होगी, ये विमाहीन राशि होती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो समान विमाएं हैं उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे 2 स्टेप्स आ गए, मान लो कि एक वेग है v और दूसरा वेग है u, तो दोनों वेग हैं, v और u दोनों वेग हैं, इसलिए दोनों की विमाएं समान होंगी। यानी इस वेग v और वेग u की विमाओं को आप जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर विमा अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब, वेग v की विमा क्या थी, L1 t-1, वेग u की विमा क्या थी, L1 t-1। वेग चाहे v हो, u हो, x हो, y हो, z हो, कोई भी हो, विमा सेम रहेगी। इन विमाओं को आप
जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन विमा अपरिवर्तित रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि वी और यू, दो वेग को आप जोड़ दोगे तो भी उसकी विमा L1T-1 आएगी, इन दोनों वेगों को आपस में घटाओगे तो भी इनकी विमा L1T-1 आएगी, V की विमा अलग से देखोगे तो भी L1T-1 आएगी, U की विमा अलग से देखोगे तो भी L1T-1 आएगी। यानी जो समान विमाएं हैं इनको आप आपस में जोड़ या घटा सकते हो, लेकिन उस विमा का मान चेंज नहीं होगा।